इंटरनेशनल कोर्ट के एक लॉयर थे जो रहते अभी साउथ अफ्रीका में, वो मेरे अच्छे मित्र हैं और ही इज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो सोचिए इंटरनेशनल कोर्ट का अगर भी चीफ जस्टिस होना ये अपने आप में काफी मायने रखता, वो भी इंडियन है और वो तीन डिकेड से वो ही इज फ्रॉम बिहार बट नाउ ही सेटल इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक कंट्री है उसके वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उस कंट्रीज के। उनको जब मैंने केस स्टडी करने के लिए दिया तो वो इट्स रविश बोले, इट्स करीब उसको इंग्लिश हिंदी आती ही नहीं बोलने के लिए, बोले इंटेंशनली ये फैब्रिकेटेड केस है। बोले रॉय रामदीन नाम है, रॉय रामदीन नाम है उनका, आपको मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूं, आप उनकी पोस्ट और उनसे बात भी कर देख सकते हैं कि उनका क्या क्या कहना है इसके ऊपर। उन्होंने जब इंडिया आया था ना तो जब भी आते हैं तो मेरे मैं मिलता हूं उनको, मैंने 2000 पेजेस के सभी एफआईआर सब दिखाई उनको, ही डजंट नो हाउ टू रीड इन हिंदी बट इंग्लिश में सब एफआईआर थी तो उसने पढ़ा पूरा इंटेंशनली पढ़ा, प्लस उसने अपने एडवोकेट को भी अपॉइंट किया, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और वो कैथलिक है, उसने बोला इट्स रेडिकुलस ये इंडिया में नहीं हो सकता है, बोले उसने भी आवाज निकाल, उसने भी वो बोलते हम कैसे इंटरनेशनल कोर्ट में आवाज उठाएंगे, जब भी आपका कोच कोर्ट करे तो ना सर कोई सोया हो ना उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागने का नाटक करे ना उसको नहीं जगाया जा सकता है। हम भी कहीं ना कहीं सोए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। बस मैं तो ये चाहता हूं मेरे पत्रकार भाई आपको भी हमने थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको जगाया है, हमने हमारे लिए नहीं जगाया आपके लिए जगाया ना, आपके बच्चे आज नहीं तो कल वेस्टर्न कल्चर को अपना ही तो अपनाएंगे ना, आज सनातन संस्कृति को जगाने वाले एक इतने आधार स्तंभ है, संतों के आधार स्तंभ है, उनके ऊपर आहत आ रही है, बट आप हमारी व्यथा और व्यथा को समझिए, हमको आपको चेतावनी या धमकी देने के लिए नहीं बुलाया है हम ऐसा कर देंगे वैसा, ना ना हमारे ब्लड में नहीं है, लेकिन व्यथा व्यथित है हम सब लोग, बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग का सहयोग, आप ही कर सकते हैं, कोर्ट को भी आप हिला सकते हो और न्यायपालिका को भी आप हिला सकते हो और मिनिस्ट्रियों को भी आप ही हिला सकते हो। अमित शाह जी को भी भाई साहब ने जैसे पूछा, अमित शाह जी के पास गए थे, मोदी साहब के पास गए थे, आप ही यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पावर, मीडिया आधार स्तंभ बताया गया है, आप सब कुछ कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा।